राइट नेक्स्ट हेडिंग कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म ठीक है। तो देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इनसाइड द कंडक्टर टू द करंट डेंसिटी, टू द करंट डेंसिटी क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट डेंसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना। यहां से हम जो है रो इक्वल क्या ले सकते हैं, रो इक्वल जे इसको ले सकते हैं ए, यहां से जे इक्वल क्या हो जाएगा वन अपॉन रो इनटू ए ठीक है। तो जे इक्वल क्या हो जाएगा, अच्छा वन अपॉन रो क्या कहेंगे सिग्मा, ये क्या कहलाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कल हमने डिफाइन किया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिग्मा इसको टू क्या होगा वन अपॉन रो, वन अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वन अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या कहलाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। तो जे इसको टू क्या हो जाएगा, जे इसको टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ई, सिग्मा इंटू ई ना ठीक है, जे इसको टू सिग्मा इंटू ई। तो दिस इज द ओम्स लॉ, ये क्या चीज है ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, तो वेक्टर फॉर्म जैसे जे इज वेक्टर क्वांटिटी, जे क्या है वेक्टर क्वांटिटी ना, तो यहाँ पर एरो दिखा दीजिए और सिग्मा स्केलर क्वांटिटी है, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो फील्ड पर एरो दिखा दीजिए। डायरेक्शन ऑफ जे एंड ई इज सेम, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी बोथ आर सेम, इसलिए वेक्टर जे इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा वेक्टर, सिग्मा वेक्टर ठीक है। ये क्या कहलाता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कहलाता है, ये रिलेशन क्या कहलाता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।